लास्ट सेशन में हमने टेक्सचरिंग की थी कि कैसे कोई बिटमैप किसी कलर पे चढ़ाएं। आज हम आगे करेंगे, मान लो हमारे पास कोई फ्लोर है, उस फ्लोर में हमें प्रॉपर डिफ्यूज बम्प एंड रिफ्लेक्शन देना है। तो मैंने एक बॉक्स लिया, राइट क्लिक, अप्लाई ब्लिन, क्योंकि लैम्बर्ड में रिफ्लेक्शन नहीं होता और आज के केस में हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, तो इसलिए आप लेना ब्लिन। ब्लिन प्रोवाइड्स सर्कुलर स्पेकुलर एंड प्रॉपर रिफ्लेक्शन। तो आप ब्लिन को नाम चेंज कर सकते हो लाइक फ्लोर कलर, अगर आप कलर रिंग के थ्रू फ्लोर बनाना चाहते हो तो यहां से बना सकते हो, अदरवाइज आप इस पर इमेज ले सकते हो। यहाँ पे फ्लोरिंग के लिए अलग अलग है, वुड बने बनाए टेक्सचर्स हैं जिसे आप मॉडिफाई करके नया टेक्सचर बना सकते हो। ग्रिड भी फ्लोर बनाने के काम आता है, चेकर भी फ्लोर बनाने के काम आता है। इमेज लेना मैंने आपको सिखाया था कि कोई इमेज ले सकते हो, अगर आप इमेज नहीं लेना चाहते तो आप ग्रिड ले लो। ग्रिड से क्या होगा, ग्रिड टाइलिंग का काम करेगा। देखो टाइल्स आ गई और ऐसी आ रही है, तो आप इसको एक तो यू और वी मतलब बॉर्डर को घटा बढ़ा सकते हो। ये सीमेंट का काम कर रहा है, टाइल्स के बीच में जो सीमेंट होता है। देन टाइलिंग करा दो, ठीक है। फ्लोर ब्लैक कलर का नहीं होगा, जो भी कलर आपको करना है लाइक क्रीम। स्वैप कर दो, ठीक है, बन गई आपकी टाइल्स। पर टाइल्स में ना बम्प नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, इसी को बम्प पे भी ले सकते हो। जो आपने टाइल्स ली, जो आपने अभी ग्रिड ली, ग्रिड का पहले नाम चेंज कर दो, कुछ भी नाम दे दो लाइक टाइल्स। यही टाइल्स आप बम्प के ऊपर भी डाल सकते हो, जो टाइल्स आपने इस पे ली है। तो टाइल्स को बम्प के ऊपर भी यहाँ से ट्रैक कर दो। अगर आप ड्रैग नहीं करना चाहते, मतलब आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है इसमें, तो आप क्या कर सकते हो, जो टाइल्स का नाम है, जो टाइल्स के फ्लोर का नाम है, क्या नाम है, टाइल्स, कंट्रोल सी करो और बम्प के ऊपर कंट्रोल वी कर दो या टाइप कर दो टाइल्स एंड प्रेस एंटर, तो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। समझ आया? अगर आपने कोई इमेज फाइल्स के थ्रू ली है, आपने कोई इसके ऊपर मैप लिया, उस मैप का नाम टाइल्स है, तो अगर बम्प के ऊपर आप टाइल्स टाइप करके एंटर मारोगे ना, तो वो कलर के साथ बम्प पे भी कनेक्ट हो जाएगा। समझ आया? और अगर आपको कनेक्शन तोड़ना है तो ब्रेक कनेक्शन। देखो ये आपने टाइल्स लिए, टाइल्स वाला टेक्सचर लिए जो माया ने इनबिल्ट आपको दिए, यही आपको कलर पे तो चाहते हो, साथ में बम्प पे भी चाहते हो। क्यों? जो पैटर्न कलर के अंदर है, इतना छोटा बॉक्स है तो उतना ही छोटा बॉक्स बम्प पे भी आए, ये तो पैटर्न बिगड़ जाएगा ना, छोटी बड़ी हो जाएगी टाइल्स। यही वाला टेक्सचर मैं इस पे भी चाहता हूँ, तो टाइप करो उस टेक्सचर का नाम टाइल्स, एंटर। फिर हटा के दोबारा बता रहा हूं, अगर मान लो ये जो आपने इसके ऊपर एरो लिया, एरो बना हुआ है, मतलब आपने इस पे कुछ लिया हुआ है, फाइल्स ली है या फाइल बिटमैप ली है, कोई इमेज जेपीजी ली है या कोई इनबिल्ट टेक्सचर लिया, मान लो इसका नाम है अरेना, आपने अरेना जो भी नाम रखा वही अरेना यहाँ टाइप करोगे तो टेक्सचर उससे कनेक्ट हो जाएगा। समझ आया? अब ब्रेक कनेक्शन से टूट जाएगा, हट जाएगा, इससे भी हटा सकते हो ब्रेक कनेक्शन से। चाहे आप नाम यहाँ पे टाइप करके करो या आप यहां से, यहां पे आपको टेक्सचर दिख रहा होगा अरेना नाम का, अब मैन्युअली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, आपकी मर्जी है। देखो ये वाला अरेना वाला टेक्सचर एक तो बम्प पे चढ़ा हुआ है और एक कलर पे चढ़ा हुआ है, दोनों
एक ही टेक्सचर दो जगह चढ़ा हुआ है, बम्प पे वो क्या कर रहा है, उसको इल्यूजन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, और कलर पे क्या दे रहा है, एक्चुअल कलर दे रहा है। तो अब देखते हैं, रेंडर मार के देखो, प्रॉपर उठा उठा टेक्सचर आ रहा है, और बहुत ज़्यादा उठ गया चॉकलेट की तरह, इतना नहीं उठाना, तो बम्प का अमाउंट आप कम कर दो। अब मैं चाहता हूँ इस फ्लोर पे ये बॉक्स पड़ा हुआ है और वो रिफ्लेक्शन में दिखे यहाँ पे, जो कि नहीं दिख रहा। ब्लिन के अंदर, ये ब्लिन है, रिफ्लेक्शन डिफॉल्ट ऑन होती है, रिफ्लेक्शन डिफॉल्ट ऑन होती है। 0.5 मतलब रिफ्लेक्शन है, अगर जीरो कर दूँ रिफ्लेक्शन नहीं है, तो रिफ्लेक्शन है इसमें पर दिख नहीं रही। रिफ्लेक्शन तब दिखेगी जब रेंडर सेटिंग, यहां पे आता है रेंडर सेटिंग माया सॉफ्टवेयर, इसके अंदर रे ट्रेसिंग, जब ये ऑन होगा ना, रे ट्रेसिंग नोट कर लो, रे ट्रेसिंग से कैलकुलेशन मेथड, या रे ट्रेसिंग इसे मेथड टू कैलकुलेट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब क्या किया मैंने, यहां से रे ट्रेसिंग ऑन किया, अब रिफ्लेक्शन को फुल कर दो, क्वालिटी बढ़ जाएगी इससे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की, देन हिट रेंडर। आप देख रहे हो नीचे फ्लोर में आपको रिफ्लेक्शन दिख रही है, जो एक्चुअल फ्लोर की रिफ्लेक्शन होती है वो इसमें अब दिख रही है, समझ आया? पर देखो रेंडर में ना पिक्सल अभी जैगी जैगी आ रहे हैं, रेंडर क्वालिटी नहीं आ रही है अभी। रेंडर क्वालिटी लाने के लिए ये पे क्वालिटी है, प्रोडक्शन कर देना। अब आप देखो क्वालिटीज की पहले से क्लीन होगी होगी, अभी तो बेटा क्लास चल रही है। कौन से वाले बैच में डाल किया था मैंने, और ये टेक्सचरिंग में आ गया और आगे बढ़ गया, ये रेंडर करो। तो देखो अब हमें क्वालिटी बेटर मिल रही है पहले से, और अगर मैं साइज और बढ़ाना चाह रहा हूँ, मान लो HD रेंडर करना है, तो कॉमन में जाना, कॉमन में यहाँ पे आप प्रीसेट लेते हो, ले सकते हो लाइक HD 720, मतलब हाफ HD हो गया, HD फुल, ठीक है। अब रेंडर करते हैं, तो आपका इमेज साइज, रेंडर साइज और बढ़ गया होगा, रेंडर में भी टाइम लगाएगा, जितनी बड़ी इमेज होगी उतना टाइम ज्यादा लगाएगा। समझ आया? सर ऐसा नहीं कर सकते, एक दिन ग्रिड टाइल्स पे हमको टेक्सचर चला दे फिर ग्रिड लगा दे, बता। अब देखो मान लो आपको इस टाइल्स के अंदर टेक्सचर चाहिए, कलर नहीं चाहिए, तो जो आपने ग्रिड लिया है यहां पे फिलर कलर, इसके ऊपर कोई भी फाइल से JPG भी ले सकते हो, मान लो मैं JPG ले रहा हूं,
मतलब उसी फिलर के कलर के ऊपर, तो जहां फिलर कलर आ रहा था ना वहां पे टेक्सचर आएगा। समझ आया? अब टेक्सचर में रेंडरिंग हो रही है, तो आप फिलर कलर की जगह कोई भी टेक्सचर ले सकते हो, और आप फिलर कलर के ऊपर जो प्लेस टू डी है उसमें टाइलिंग भी करा सकते हो। कोई डाउट? वैसे तो इसी के अंदर से उसने बम्प अपने आप पिक कर लिया, जरूरी नहीं है कि आप डीसैचुरेटेड ही डालो, याद रखना वो अपने आप उसमें से डीसैचुरेट करके माया निकाल लेता है, व्हाइट और ब्लैक अपने आप पिक कर लेता है, पर ज्यादा बेस्ट रहता है डीसैचुरेटेड करना, कंपलसरी नहीं है, पर आप कलर डालोगे अपने आप उसमें से बम्प पिक कर लेगा जहां जहां उसे व्हाइट मिलेगा, पर ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप एक्यूरेट चाहते हो तो फोटोशॉप में बना के आओ डिसैचुरेट करके। कोई डाउट यहां तक? अब मान लो मुझे माउंटेन चाहिए, पहाड़ चाहिए, कहीं पे घास कहीं पे रॉक, कभी कभार बंद हो जाता है। अब मैं एक प्लेन ले रहा हूं फ्लोर बनाने के लिए, और स्कल्पटिंग के थ्रू मैं इसके माउंटेन्स उठा रहा हूं, और देखो जहां जहां खराब हो गया स्कल्पटिंग में आता है रिलैक्स टूल, ठीक कर सकते हो। देखो मैंने माउंटेन्स बना लिए, अब इन माउंटेन्स पे मैं टेक्सचर चढ़ाना चाह रहा हूं, तो कैसे चढ़ाओगे? राइट क्लिक, लैम्बर्ट ले लो, क्योंकि मुझे रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए अभी। आप हिस्ट्री जरूर क्लीन कर लेना जब भी कुछ मॉडलिंग करो। देखो अब तक हम क्या कर रहे थे, सिंगल फाइल ले रहे थे, सिंगल फाइल आप यहां से ले सकते हो रैम्प, अगर आपको दो तीन टेक्सचर मिक्स करने हो लाइक घास का, मिट्टी का, रॉक का, रैम्प ठीक है, चाहे यहां से रैम्प लो, नहीं तो राइट क्लिक करके आपके पास रैम्प शेडर भी आता है, ठीक है, रैम्प शेडर, तो आप दोनों में फर्क ये है, ये मैप है वो मटेरियल है, ये आप ये बेस्ट रहेगा क्योंकि ये मैप है, इसके अंदर आप जितना मर्जी टेक्सचर इंप्लीमेंट करो। मुझे तीन मटेरियल चाहिए, क्लिक करके तीन मटेरियल आ जाएंगे, मुझे इसके ऊपर मान लो कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करो, पर हमें क्या चाहिए टेक्सचर, तो सेलेक्ट कलर के यहाँ पे चेकर आ रहा है, आप इस पर कोई भी घास का टेक्सचर ले लो, घास आ गई, तो ग्रेडिएंट ही तो है, पर ग्रेडिएंट में कलर की जगह टेक्सचर भी आ रहा है। वही होगा इसमें, अभी बताते हैं।
देख रहे हो, मैं चाहता हूँ कहीं पे घास कहीं पे रॉक, तो यहाँ पे नॉइस अमाउंट आ रहा है, अब नॉइस बढ़ा दो। अब देखो बीच बीच में घास आ गई, पहले क्या था एक जगह पे पत्थर एक जगह पे घास आ रहा था, बीच बीच में अलग अलग आ रहा है, पर बहुत बड़े बड़े रॉक्स लग रहे हैं। तो जो आपने फाइल्स ली है ना उसकी टाइलिंग्स करवा दो, जैसे इस पे घास ली है तो घास की टाइलिंग, समझ आया? ये गामा करेक्शन है, गामा करेक्शन का टॉपिक बाद में आएगा। समझ आया कहीं पे मिट्टी कहीं पे घास कैसे लानी है? इसको बम पे भी ट्रैक कर सकते हो, जो आपने इसके ऊपर रैंप वन लिया है, रैंप वन आप बम के ऊपर टाइप कर दो तो यही सेम रैंप का टेक्सचर उस पर भी आ जाएगा बम के ऊपर, पर बम का अमाउंट कम कर लेना। कई बार टेक्सचर्स रेंडर में नहीं दिखते,